दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि क्या हमारे पृथ्वी के अलावा कोई और ऐसा प्लेनेट है जिस पर जीवन संभव है? या केवल सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है? लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी भी हमेशा से रहने योग्य ग्रह नहीं रहा है। पृथ्वी पर भी आज से करोड़ों अरबों वर्ष पहले जीवन संभव नहीं था। नासा के एक अध्ययन के अनुसार, अगर सोलर सिस्टम में जीवन की सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर कहीं मौजूद है तो वो है हमारा मंगल ग्रह। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर अभी भी जीवन इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। वहीं कुछ का मानना है कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था ही नहीं। तो ऐसे में चलिए हमारे साथ मंगल ग्रह के एक रोमांचक सफर पर, जहां हम मंगल ग्रह के जीवन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वो वैज्ञानिक आते हैं जो ये कहते हैं कि मंगल ग्रह पर अतीत में जीवन था, लेकिन फिर जीवन विलुप्त हो गया। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले मंगल और पृथ्वी ग्रह पर परिस्थितियां लगभग एक समान ही था। दोनों ही ग्रह लिक्विड वाटर से भरपूर थे, जहां एक स्टेबल एटमॉस्फेयर और इकोसिस्टम मौजूद था। इन परिस्थितियों के चलते हमारे पृथ्वी ग्रह पर केवल कुछ सैकड़ों मिलियन सालों में जीवन की शुरुआत हो गई थी। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इस दौरान मंगल ग्रह पर भी किसी प्रकार का जीवन जरूर पनपा होगा, पर मंगल ग्रह पर जीवन की शुरुआत होने के कुछ मिलियन सालों के बाद ही इसका एटमॉस्फेयर खत्म हो गया होगा, जिसकी वजह से सूर्य से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज अब सीधे इसके सरफेस तक पहुंच रही थी। एटमॉस्फेयर के खत्म होने के साथ ही यहां मौजूद लिक्विड वाटर के ओशियन सूख गए और आखिरकार मंगल ग्रह पर जीवन का अंत हो गया। ऐसे में अगर मंगल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था तो उसके कुछ न कुछ अवशेष आज भी जीवाश्म के रूप में मंगल के सतह के नीचे जरूर मौजूद होंगे। यदि हम मंगल के सतह में ड्रिलिंग कर इसका करीब से अध्ययन कर सके तो हमें मंगल ग्रह पर जीवाश्म के रूप में इतिहास में जीवन के सबूत मिल सकते हैं। इसके बाद वो वैज्ञानिक आते हैं जो ये कहते हैं कि अतीत में मंगल ग्रह पर जीवन था और वो आज भी निष्क्रिय रूप से इसके सतह के नीचे मौजूद है। इस संभावना के अनुसार मंगल ग्रह पर जीवन अभी भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है। दोस्तों, जब से वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मीथेन गैस का पता लगाया है, उसके बाद से ही वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मंगल ग्रह पर आज भी किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है। इसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि जब मंगल का एटमॉस्फेयर खत्म हुआ होगा, तब उस समय कुछ सूक्ष्म जीव मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे चले गए होंगे, जहां पर परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। यहां पर वो अल्ट्रावायलेट रेस से भी बच गए होंगे और साथ ही यहाँ पर उन्हें स्टेबल टेम्परेचर और साथ ही लिक्विड वाटर भी मिल गया होगा। अगर इस बात में कुछ सच्चाई है तो मंगल ग्रह पर जीवन आज भी इसके सरफेस के नीचे मौजूद हो सकता है, और इसके अलावा मंगल ग्रह के नीचे पानी भी हो सकता है। इसके बाद वो वैज्ञानिक आते हैं जो कहते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन हमारे पृथ्वी ग्रह से ही गया है। इस संभावना के अनुसार आज से लगभग 65 मिलियन साल पहले कई किलोमीटर विशाल का एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से टकराया था। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का पूरा वातावरण कई सालों तक धूल और मलबे से ढक गया था, जो कि विशालकाय डायनासोर के विलुप्ति का कारण बना। इस जोरदार टक्कर की वजह से पृथ्वी के सरफेस से कई छोटे छोटे टुकड़े स्पेस तक पहुंच गए, जिसमें जीवन के भरपूर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और कुछ ऑर्गेनिज्म भी मौजूद थे। ऐसी संभावना है कि स्पेस में गए ये टुकड़े कई दूसरे ग्रहों तक पहुंच गए होंगे, और इन्हीं में से कुछ टुकड़े मंगल ग्रह पर भी गए होंगे। यदि ये सूक्ष्म जीव जीवित मंगल ग्रह तक पहुंच गए होंगे, तो फिर सही परिस्थितियों में यह जीवन मंगल ग्रह पर जीवित रहना भी सीख गए होंगे। पृथ्वी पर गए ये जीव मंगल ग्रह पर सरवाइव कर सके या नहीं, इस बात का पता तभी चलेगा जब हम मंगल ग्रह के सरफेस को करीब से अध्ययन करेंगे।
इसके बाद वो वैज्ञानिक आते हैं जो कहते हैं कि मंगल ग्रह पर कभी जीवन था ही नहीं। इस संभावना के अनुसार मंगल और पृथ्वी पहले भले ही एक जैसे थे, पर इसके बावजूद मंगल ग्रह पर कभी वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाई जिन परिस्थितियों में हमारे पृथ्वी ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में मंगल ग्रह पर जितने भी जियोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेस हुए वो सभी इनऑर्गेनिकली ही हुए थे, और इस संभावना के अनुसार किसी भी प्रोसेस का संबंध ऑर्गेनिक लाइफ से नहीं हुआ था। और फिर आज से लगभग 4 बिलियन साल पहले मंगल का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया, जिसकी वजह से इस ग्रह पर लिक्विड फॉर्म में मौजूद पानी सूख गया और मंगल ग्रह आज के समान सूखा और निर्जन हो गया। दोस्तों, ज्यादातर वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किसी प्रकार के जीवन के नहीं होने के ही संभावना जताते हैं, और जब तक मंगल ग्रह पर जीवन के होने के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाते तब तक इसे एक मान्यता ही मानी जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या लगता है, इन सभी पॉसिबिलिटी में से कौन सी पॉसिबिलिटी सच साबित हो सकती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं एक